पूरा देश कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन में जीने को मजबूर है। हालांकि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा है वैसे वैसे छूट का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब जनता लॉकडाउन से छुटकारा पाना चाहती है। इस वक्त लॉकडाउन 4 लागू है और 31 मई को ये खत्म होने जा रहा है, तो वहीं अब लोगों के मन में सवाल ये है कि क्या अब लॉकडाउन से छुटकारा मिल जाएगा या फिर लॉकडाउन 5 भी देखने को मिल सकता है, और अगर लॉकडाउन 5 होगा तो कैसा होगा, पाबंदियों में कुछ और छूट मिलेगी या फिर सख्ती का दायरा बढ़ेगा। इन सवालों को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉकडाउन 5 की रूपरेखा को लेकर संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 5 तो होगा लेकिन पाबंदियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। प्रकाश जावड़ेकर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि लॉकडाउन 5 बिल्कुल साधारण होगा। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ही इलाकों में पाबंदियां लगाई जाएंगी, बाकी जनजीवन को खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगी, लोगों को काफी हद तक छूट मिल सकती है और अब उम्मीद है कि जीवन सामान्य होगा। केंद्रीय मंत्री ने लॉकडाउन को बेहद जरूरी कदम बताते हुए कहा है कि अगर देश में समय रहते ये फैसला नहीं लिया जाता तो आज भारत में 50 लाख कोरोना के केस होते। लॉकडाउन के कारण आज भी हमारी जितनी संख्या है उसके हिसाब से केस बेहद कम है। उन्होंने कोरोना से मौत के बारे में कहा कि पूरे विश्व में सबसे कम मौतें भारत में ही हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई वैक्सीन या दवा आए और सभी लोग पहले की तरह सामान्य जीवन जिए। जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार एक नई गाइडलाइंस पर काम कर रही है जिसके तहत 1 जून से देश के ज्यादातर हिस्सों से लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। होटलों, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को भी 1 जून से खोलने की इजाजत दी जा सकती है। गुरुवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने नई गाइडलाइंस को लेकर मंथन किया। 31 मई को अगले 15 दिनों के लिए देश भर में लागू किए जाने वाले दिशा निर्देशों को जारी किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।